स्टूडेंट्स आज जो टॉपिक कर रहे हैं उसके अंदर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। जैसे हमारा एक्सरसाइज नंबर है 9.3, तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 5। बेसिक तो हम डिस्कस कर चुके हैं इसका ऑलरेडी। बेटा जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी हो ना, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि हमें डिफरेंशियल करना कितनी बार है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिमाग में आएगा कि इसका डिफरेंशियल हम करेंगे कितनी बार। और फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट, डिफरेंशियल एक बार करना है, दो बार करना है, तीन बार करना है। तो हमें इसमें यह देखना है कि इसका आर्बिट्री कॉन्स्टेंट कितने हैं। दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है ए और बी, तो ये श्योर हो गया दो बार इसको डिफरेंशियल करना जरूरी है। और लास्ट के अंदर जो इक्वेशन आती है उसके अंदर ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो अवेलेबल नहीं होने चाहिए, वो उसके अंदर अवेलेबल नहीं होने चाहिए। अगर होंगे तब उसको एलिमिनेट कर देंगे प्रीवियस इक्वेशन की हेल्प से। ओके, ये हमारा प्रोसेसिंग रहेगी इसकी। तो बेटा देखो इसमें सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन a तो कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, 1 अपॉन b अलग से रह जाएगा, y का dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 का 0, देन 1 अपॉन b dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन a, इसको राइट साइड शिफ्ट कर दिया, एंड dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a क्रॉस 1 में। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। मैंने पहले डिस्कस कर लिया कितनी बार डिफरेंशियल करना जरूरी है इसमें, दो बार क्यों डिफरेंशियल करना है, टू आर्बिट्री कॉन्स्टेंट अवेलेबल है। नाउ डिफरेंशिएट अगेन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका कितना हो जाएगा, पूरा कंप्लीट कॉन्स्टेंट है जीरो, मीन्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, इसमें एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट लास्ट में नहीं बचा है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर टू है, सेकंड क्वेश्चन में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन इक्वेशन देखने से क्या पता चलता है, कितनी बार डिफरेंशियल करोगे भी, दो बार क्यों करेंगे, दो आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें अवेलेबल है, इसलिए अपन इसको दो बार डिफरेंशियल करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, टू वाई और वाई का डीवाई अपॉन डी एक्स, ये तो कांस्टेंट है बी स्क्वायर का जीरो एंड माइनस टू एक्स, फाइनली टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स एंड माइनस टू ए एक्स, टू से टू कैंसिल आउट, देन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए एक्स। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब बड़ा डिफरेंशियल कितनी बार करना है इसमें, दो बार क्यों करना है, टू आर्बिट्री कांस्टेंट, तो हमारे पास डिफरेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास यू इंटू वी से हो जाएगा, वाई पड़ा है इसका डिफरेंशियल डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स पड़ा है इस पर, और इस वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, और एक्स का कितना हो गया बेटा 1 हो गया। तो फाइनली हमें क्या अचीव हुआ, वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं क्या इसको, हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन तब तक नहीं कह सकते जब तक यहां पर ये ए इसमें से रिमूव नहीं होता है, ए की वैल्यू रखेंगे हम प्रीवियस इक्वेशन से, समझा। अगर मैं ए की वैल्यू रख देता हूं तो इसमें से अगर ए रिमूव हो जाता है तो आपके ये डिफरेंशियल इक्वेशन काउंट होगी।
तो ये रिमूव करने के लिए किसकी हेल्प ले सकते हैं, इसकी ले सकते हैं या इसकी ले सकते हैं, दो ऑप्शन है हमारे पास में। इसकी हेल्प लूंगा तो बी और बड़ा, इसके अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर मैं हेल्प किसकी लूंगा, इसकी। यहां से y अपॉन एक्स डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ए, ये वैल्यू इसमें अचीव कर लो। क्या किया मैंने, x को क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू नीचे भेज दिया मैंने, एक बार कॉन्सेंट्रेट करो बेटा। तो इसमें क्या करेंगे, इस x को अपॉन में डाल देंगे, तो माइनस ए की वैल्यू यहां से यहां शिफ्ट कर दो, y डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डीवाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इजिकल टू माइनस ए, माइनस ए की वैल्यू कितनी है, y अपॉन एक्स एंड डीवाई अपॉन डी एक्स। इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लो, सिंप्लीफाई कर लो, x क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर आ जाएगा, एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहां भी मल्टीप्लाई करेगा, एक्स डीवाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू डीवाई अपॉन डी एक्स। ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब उसको आप लेफ्ट साइड ले आओ, देन एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डीवाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई एंड डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो, ये इसका दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन के स्टार्ट में भी अपन ये पता कर सकते हैं कि इसका ऑर्डर कितना होगा, कैसे पता करेंगे, जितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होते हैं उतना ही इसका ऑर्डर होता है। देखो आप, टू आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है तो इसमें टू ऑर्डर हो गया इसका, दो बार डिफरेंशियल किया हमने इसमें, यस। क्वेश्चन नंबर थ्री, वाई प्लस टू ए ई टू द पावर थ्री एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस टू एक्स। बेटा इस क्वेश्चन में भी कितनी बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा हमारे को, टू टाइम्स करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, टू आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, ओके, देन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिवाइड अपॉन डी एक्स ए टू द पावर थ्री एक्स और थ्री एक्स का थ्री प्लस बी ए टू द पावर माइनस टू एक्स और इसका कितना हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा, देन थ्री ए टू द पावर थ्री एक्स माइनस टू बी टू द पावर माइनस टू एक्स, इक्वेशन नंबर सेवन, दिस इज डिवाइड अपॉन डी एक्स, ओके। अब डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री ए और ए टू द पावर ये हो जाएगा थ्री एक्स इन टू ए थ्री माइनस टू बी ई टू द पावर माइनस टू एक्स और ये माइनस टू, करेक्ट। देन फाइनली नाइन ए टू द पावर थ्री एक्स माइनस का टू टू जा फोर एंड माइनस टू एक्स, दिस इज डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास नंबर थर्ड आ गया। अब बेटा डिफरेंशियल तो और कर नहीं सकते हम, दो बार डिफरेंशियल ऑलरेडी हो चुका है और इसमें से ए और बी इसमें से रिमूव नहीं हुए तो इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कह सकते, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन अभी नहीं कह सकते क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है अवेलेबल है। तो अब इसको हमारा पहला काम क्या होगा, ए और बी को रिमूव करना, फॉर दैट फ्रॉम इक्वेशन जो सेकेंड है ना उसको आप टू से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन थर्ड के अंदर इसको ऐड कर दो, तो फाइनली क्या मिलेगा, टू इंटू डीवाई अपॉन डी एक्स थ्री टू द सिक्स ए टू द पावर थ्री एक्स माइनस फोर बी टू द पावर माइनस टू एक्स एंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन ए ई टू द पावर थ्री एक्स प्लस फोर बी टू द पावर माइनस टू एक्स। वो अपने जो एलिमिनेशन मेथड सीख रहा है उसे एक एक की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, तो ये दोनों कैंसिल आउट, फाइनली मेरे पास आ गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये कितना हो गया बड़ा 19 फिफ्टीन ए
e3x, ओके। अब ना मुझे वैल्यू सब किसी चाहिए, a इनटू e टू द पावर 3x चाहिए, a रिमूव करना है, तो मेरे पास 15 का डिवाइड कर देता हूं मैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन 15 d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 15 dy अपॉन dx, ये हमारे पास फोर्थ नंबर आ गया। तो एक वैल्यू तो मेरे पास अचीव हो गई, अब एक वैल्यू और निकाल ली है, इसको किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कौन सी इक्वेशन करें, कौन सी चीज बढ़ेगी, सेकंड या थर्ड, किसी भी में एक में कर सकते हैं, आई थिंक सेकंड इक्वेशन से बेटर। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुटिंग द वैल्यूज dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3, वैल्यू a इनटू द पावर 3x ऑलरेडी मुझे पता है, ये वैल्यू इसमें पुट करो 1 अपॉन 15 d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 15 dy अपॉन dx, ओके। देन ये वैल्यू किसकी है बेटा, a इनटू e टू द पावर 3x की, 1 अपॉन 15 d2y अपॉन dx स्क्वायर 2 अपॉन 15 dy अपॉन dx, आ जाओ सेकंड इक्वेशन में, माइनस 2 b e to the power minus 3। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, इस वैल्यू को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो, 2 b e to the power minus 3x 1 upon 5 d2y upon dx square, इसका यहां मल्टीप्लाई 2 upon 5 dy upon dx एंड इसको उधर शिफ्ट कर दो माइनस dy upon dx। अब बेटा देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 अपॉन 5 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहां पर देखो बेटा e टू दी पावर है ना माइनस 2x है, e टू दावर माइनस 2x इसको लेफ्ट ले लेंगे, तो 2b e टू दी पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 1 बाई 5 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई 5 डीवाई अपॉन डी एक्स एंड डीवाई अपॉन डी एक्स, ये जो 3x है ना इसको 2x करेंगे, तो क्योंकि बिकॉज यहां पर देखो सेकेंड इक्वेशन में इट इज अबाउट 2x है यहाँ पर, ठीक है ना। चलो 1 बाई 5 डी टू आई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर इसको सॉल्व करें आप, कितना आएगा एल से ले ले 5 2 बाई 5 कितना आएगा माइनस 3 बाई 5 डीवाई अपॉन डी एक्स और 2 बी इट टू दावर माइनस 2x बी इट टू माइनस 2x 2 को अपॉन में भेज दो 1 अपॉन 10 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 को अपॉन में 3 अपॉन 10 एंड डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके। तो दो वैल्यू आ गई मेरे पास 4 और ये 5 इक्वेशन, इन दोनों को क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या ऐसा करो दोनों को ऐड कर लो, एक ही बात है दोनों कॉन्सेप्ट सेम ही है, बोलिए उसमें वैल्यू पुट करो बोले दोनों को ऐड करो, दोनों की जगह क्या देंगे वाई लिख सकते हैं हम। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वाई इज इक्वल टू इसकी वैल्यू ये पड़ी 1 अपॉन 15 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 15 डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके। देन इसकी वैल्यू प्लस 1 अपॉन 10 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 10 डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बेटा आपके पास परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो ये 15 है 15 है 10 है 10, तो क्यों ना मैं इसके एलसीएम के साथ 30 आ रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है 30 आ रहा है, या तो दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व कर लो, नहीं तो 30 से सबको एक बार मल्टीप्लाई कर लेता हूं बहुत सिंपल हो जाएगा। तो आ गया 30 वाई इज इक्वल टू 30 से 2 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 30 से 4 डी वाई अपॉन डी एक्स या 30 से 3 हो जाएगा बहुत सिंपली अपन सॉल्व कर लेंगे और माइनस 9 डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके।
अब देखो बेटा कैलकुलेट करें, 30y ये dy / dx 3 है, देखो d2y / dx स्क्वायर 3 टाइम्स और 2 टाइम 3 से 2 टाइम्स और 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 5 टाइम्स d2y / dx स्क्वायर और ये माइनस का 5 dy / dx 5 का सब में डिवाइड कर दो, 5 का सब में डिवाइड कर दो कितना आया बेटा 6y is equal to d2y / dx square minus dy / dx. That implies that d2y / dx square minus dy / dx plus minus 6y is equal to 0. Here is the answer. Okay? It's a very good question. क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, इसका डिफरेंशियल कितनी बार करेंगे पहले डिसाइड करो, 2 टाइम्स करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि दो उसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, तो हमारे पास हो गया dy / dx u into v से कर दो 2x, इसका डिफरेंशियल कितना होगा 0 b और x का होगा प्लस a plus bx और e to the power 2x और इनटू 2 2x का 2 हो जाएगा, थोड़ा सिंपलीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं, dy / dx इज इक्वल टू e टू द पावर 2x और ये b प्लस, ध्यान से देना बड़ा ये 2 तो ये बड़ा, इस वैल्यू को अगेन अगेन सॉल्व नहीं करके क्या लिख सकता हूं मैं, है ना, फर्स्ट इक्वेशन dy लिख सकता हूं, हो गया सिंपल। अब आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, हमें डिफरेंशियल कितनी बार करना है, 2 टाइम्स करना है, तो हमारे पास d2y / dx स्क्वायर इज इक्वल टू b e टू द पावर 2x और 2x का * 2 प्लस 2 और y का कितना हो जाएगा dy / dx, ये आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन। बट एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, b, ये b को रिमूव करना पड़ेगा, इसमें b को रिमूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड की हेल्प लेते हैं, यहां पर dy / dx - 2y is equal to b e to the power 2x, ये वैल्यू 2y को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया तो b into e to the power x की वैल्यू आ गई, वो वैल्यू आप यहां पर शिफ्ट कर दीजिए, तो d2y / dx स्क्वायर इज इक्वल टू दैट वैल्यू dy / dx minus 2y और ये into 2 plus 2 and dy / dx, this equals to 2 से इसको मल्टीप्लाई करें 2 dy / dx minus 4y plus 2 to the 4 2 dy / dx, कैलकुलेट कर ले बेटा 2 और 2 4 हो जाएगा 4 dy / dx minus 4y and d2y / dx square, सबको लेफ्ट साइड ले आओ, d2y / dx square minus 4 dy / dx plus 4y is equal to 0, correct, yeah, इसमें differential equation आ गई, any doubt, fifth y equals to e to the power x a cos x plus b sin x, बेटा मेरे को इसमें इक्वेशन नंबर पास डिसाइड करो कितनी बार डिफरेंशियल करना है, 2 टाइम्स डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो हमारे पास हो गया dy / dx, dx का dx ही होता है, u to v से करेंगे a cos x plus b sin x बड़ा रहेगा प्लस e to the power x बड़ा है इसका डिफरेंशियल कर लो माइनस a sin x और b कांस्टेंट है और sin का हो जाएगा cos x, बट ध्यान से देखो ये वैल्यू रिपीट होगी वापस, ये देखो इसको क्या कर सकते हैं dy / dx इसको से y हो जाएगा ठीक है ना प्लस e to the power x माइनस a sin x plus b cos x number 2 correct, डिफरेंशियल कितनी बार करना है,
टू टाइम्स का, तो वापस करें इसका डिफरेंशियल डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इसका बड़ा यू इंटू बी से, तो ई एक्स का तो ई एक्स ही होता है, ये तो सेम वैल्यू पड़ी रहेगी प्लस बी कॉस एक्स प्लस, अब क्या ई एक्स पड़ा रहेगा सेम, छोड़ दो इसको, इसका डिफरेंशियल माइनस ए साइन का कॉस एक्स कॉस का माइनस साइन, थोड़ा ढंग से लिख के देखते हैं क्या मिला, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये जो वैल्यू है ना ये वाली वैल्यू, इसको चेक करो क्या हो रही है बेटा, ये वैल्यू चेक करो ऐसे कुछ मिल रहा है सब में आपको कॉमन कर सकते हो कुछ, इन दोनों कॉमन क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, दो मेथोलॉजी हो सकती है इसमें, एक तो यहां से सेकंड से इसकी वैल्यू पुट कर दो आप, देखो आप कॉमन नहीं रहो तो ये एग्जैक्ट सेम है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यस यहां से डीवाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इजी रहेगा, करेक्ट, यहां पर देखो आप माइनस कॉमन ले लें और माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन से वाई बन जाएगा, बन जाएगा सिंपल हो गया बस, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू सॉरी इक्वल्स टू टू dy by dx and minus 2y shifting कर लें इसकी, d2y upon dx square minus 2 dy upon dx plus 2y is equal to 0, okay this is answer, any doubt, question number 5 बेटा वर्ड प्रॉब्लम है तो बोर्ड में इस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन, बेटा जैसा कह रहा है वैसे पहले डायग्राम कर लेते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश और ये ओरिजिन, क्या बोला इसने, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन, वाई एक्सिस को आप ओरिजिन पे टच कर रहे हो, ऐसे बेटा कितने सर्कल हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, इधर भी हो सकता है ठीक है ना, और भी सारे बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, ऐसे फैमिली ऑफ सर्कल है ना पूरी मैनी सर्कल्स के लिए, उसमें से एक सर्कल मैंने ये पिकअप कर लिया, अगर y एक्सिस को यहां ओरिजिन पे टच कर रहा है तो इसका सेंटर कितना होगा, x एक्सिस के ऊपर होगा, इसके सेंटर को मैं ले लेता हूं, ये डिस्टेंस सपोज h है तो y एक्सिस तो जीरो होगा, यहां पर y कोऑर्डिनेट इसका कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो h कॉमा जीरो इसका क्या हो जाएगा सेंटर हो जाएगा, और इसकी रेडियस, ये रेडियस कितनी हो जाएगी h हो जाएगी, क्लियर, इस सर्कल की इक्वेशन x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर यानी एच स्क्वायर, फाइनली मेरे पास क्या मिला, x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर दें, माइनस टू एच एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एच स्क्वायर बहुत कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये टू एच एक्स, करेक्ट, ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई जिसको मुझे जिससे मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करनी है फॉर्म करनी है, तो बेटा सबसे पहले डिसाइड करो इसका डिफरेंशियल कितनी बार करेंगे हम, एक बार करेंगे, मनीष नंबर को क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशियल करेंगे, एक बार क्यों करके भाई, क्योंकि एक ही आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है इसके अंदर, क्या हो गया 2x plus 2y dy upon dx equals to 2h और x का हो जाएगा 1, ये 2 सारे कॉमन आके कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली मेरे को क्या मिला भाई, x plus y dy upon dx equal to h, क्या इसमें एक बार और डिफरेंशियल कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते, डिफरेंशियल नहीं कर सकते हम,
तो हमें ये h को एलिमिनेट करना पड़ेगा, h को इसमें से मुझे हटाना पड़ेगा। तो इस h की वैल्यू कैसे लाते हैं अपन, इक्वेशन फर्स्ट देखो आप यहां पर, ये h की वैल्यू उठाते हैं इसमें से, एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स इक्वल टू h। बात समझ में आई, क्या किया मैंने 2x का सभी में डिवाइड कर दिया, ये एक x को यहां कैंसिल हो जाएगा। अब ना वो h की वैल्यू ना इसमें यहां शिफ्ट कर देते हैं, तो मेरे पास आ गया x प्लस वाई डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या आया, x अपॉन टू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स, करेक्ट। इस x बाय टू को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो, ये x यहां पड़ा है इधर से कूद के इधर आ जाएगा, x माइनस x बाय टू फाइनली कितना होगा बेटा, x बाय टू प्लस वाई डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स, टू एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई, टू एक्स यहां पर टू एक्स इंटू एक्स बाई टू प्लस टू एक्स इंटू वाई डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। सेटलमेंट बैठा थोड़ा सा टफ लगता, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये आपके इसके डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अगर इसे उल्टा जनरेट जीरो में लाना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई और डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो, अदरवाइज वाई एक्स स्क्वायर को उधर शिफ्ट भी कर सकते हो। ओके, एनी डाउट, तो प्रॉब्लम बोल भाई, दिक्कत नहीं। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपके सेवन, सेवन क्वेश्चन में क्या है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला, यस फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसका डायग्राम के ऊपर आओ, सबसे पहले एक्स एक्स डैश वाई और ये वाई डैश और ये ओरिजिन। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी पैराबोला कौन सा होगा बेटा, ये वाला। ऐसे कितने पैराबोला हो सकते हैं, बहुत सारे है ना, ये भी हो सकता है, इस तरह से थोड़ा बदला जाएगा, थोड़ा ऐसे हो जाएगा ना, अलग अलग पैराबोला जनरेट हो सकते हैं, वन ऑफ द पैराबोला ये। अब इसकी इक्वेशन ले लो, क्या इक्वेशन होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई। हाँ भाई यशपाल तुम बताओ इसमें डिफरेंशियल कितनी बार करेंगे, एक बार। क्यों भाई, क्योंकि सर एक ही है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट कितने हैं, एक ही। तो इसके अंदर हम देखो बेटा एक बार डिफरेंशियल करते हैं, टू एक्स फोर ए और वाई का हो जाएगा डिवाइड अपॉन डी एक्स, बस बहुत जल्दी काम हो गया इसका। तो किसकी वैल्यू लिखते हैं, फोर ए की वैल्यू लिख दूंगी इसमें, फोर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू एक्स इक्वल टू फोर ए की वैल्यू यहां से पुट कर दो आप, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई और ये डिवाइड अपॉन डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक्स ये एक्स कैंसिल आउट, तो हमारे पास टू वाई एक्स और ये डिवाइड अपॉन डी एक्स, फाइनली एक्स डिवाइड अपॉन डी एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, ये इसका आंसर। बहुत जल्दी अच्छी हो गए तो, बट क्वेश्चन नंबर एट देखो बेटा, एट क्वेश्चन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ एलिप्स, द फोकस पॉइंट क्या बताया इसने, फोकस ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन, एलिप्स कौन सा है देखो, ये वाला एलिप्स है, ये फोकस पॉइंट यहां पर होगी इसके, ठीक है ना, ये मेरे पास क्या रहेगा, जीरो कॉमा बी और ये हमारे पास ए कॉमा जीरो, एक्स एक्स डैश वाई
y डैश। हाँ मेरे पास इसकी इक्वेशन बताओ सर, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर अपॉन ए नो नो बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन। इसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट कितने हैं? दो। डिफरेंशियल कितनी बार होगा? दो। टू टाइम्स होगा। सिंपल बात है, यू कैन डू और नॉट, कैन डू। चलो ये आप करके ले आओगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। हेलो, दो का डिफरेंशियल होगा सर इसका? नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोला। ओके, कहां पर है इसकी? एक्स एक्सिस के ऊपर और सेंटर एट ओरिजिन। ये बहुत सिंपल है, हाइपरबोला ये वाला, ठीक है ना। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ओरिजिन, मतलब इसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। सिमिलर है, यू कैन डू। क्वेश्चन नंबर 10 ये बेटा बोर्ड में अटेंड हो चुके हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, 10th क्वेश्चन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस इज 3 यूनिट्स। वेरी गुड क्वेश्चन। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ओरिजिन, बहुत ध्यान से। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट्स। बेटा इसे ये नहीं बोला है कि एक्स एक्सिस को टच करेगा, कहीं नहीं बोला इसने। देखो आप, कहीं ये नहीं बोला हुआ है कि टच करेगा। ये आपके सर्कल है जिसका सेंटर कहां पर है? वाई एक्सिस पर है। क्या बोला? देखो वापस पढ़ो इसको, सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस इज 3 यूनिट्स, यानी यहां से ये जो डिस्टेंस है ना वो 3 है। क्लियर? ये ओरिजिन है, इस डिस्टेंस को आप के कंसीडर कर लो आप, तो इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? इसका जो सेंटर होगा, देखो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका? 0। और वाई कोऑर्डिनेट में ध्यान ध्यान से देखो, यहां से यहां डिस्टेंस कितनी के है, ये डिस्टेंस कितनी है? 3। 3 हो जाएगा के प्लस 3। ओके, तो इसकी इक्वेशन देखो बेटा, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ दिस के माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। आगे बात समझ में? इसको अब आपको सिंप्लीफाई करना है, मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। यस, तुम बताओ बेटा इसका डिफरेंशियल कितनी बार करेंगे? एक बार। क्यों भाई? एक बार क्यों करेंगे? दो बार। दो बार? अच्छा, दो बार क्यों करेंगे? फिर दो आर्बिट्री कांस्टेंट मुझे दिखे तो नहीं, कहां पर है? मुझे तो नहीं दिखे अभी तक। हैं? बोलो बोलो के। क्या नंबर कम ज्यादा हो गए? क्या बात है भाई? हैं? क्या हुआ? दो कहां है बताओ? एक के अकेला दिख रहा है जब सिर्फ के ही है, तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। डिफरेंशियल कितनी बार करेगा? एक बार ही करेगा, ठीक है ना। करो इसका 2x प्लस, बेटा नींद लेके आया करो पूरा फ्रेश होके, ठीक है ना। ये 2 आपके इधर आ जाएगा, y माइनस के माइनस 3 है ना 2, और कितनी जाएगी? 1। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हमारा हो जाएगा dy अपॉन dx, और k का 0 3 का 0 इज इक्वल टू कितना लिखो? 0 0। 9 का कितना हो गया? 0 हो गया। एक प्रॉब्लम है, पहले इस 2 को रिमूव कर लेते हैं। तो कॉमन आके 0 के नीचे चला गया, इसका काम तमाम करते हैं। एक्स प्लस ये वाई माइनस के माइनस 3 और ये डिवाइड अपॉन डीएक्स इज इक्वल टू 0। अब मेरे गले की कंटी क्या है? ये गले की कंटी बना हुआ है, अगर ये रिमूव हो जाए ना तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई अपनी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कहां से जनरेट करते हैं?
यहां से क्या होगी बेटा, देखो एक्स स्क्वायर को तो राइट साइड शिफ्ट कर दो आप, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस के माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको तो शिफ्ट कर दिया, इधर का स्क्वायर डबल स्क्वायर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा बड़ा आराम से, क्लियर। तो अब आप इसकी वैल्यू यहां डालो, एक्स प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और ये डीवाई अपॉन डीएक्स इक्वल टू 0। अब ये रूट में थोड़ा जवाब देना मेरे को थोड़ा समझ में कम आता है, ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूं इस एक्स को राइट साइड शिफ्ट कर देता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई अपॉन डीएक्स इक्वल टू माइनस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड 9 माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई अपॉन डीएक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई आपको? अब इसको देखो आंसर मैचिंग के लिए क्या करेंगे, अब देखो ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर ना, यहां से माइनस कॉमन ले लो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 डीवाई अपॉन डीएक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उधर शिफ्ट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 9 डीवाई अपॉन डीएक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर आ गया। एनी डाउट?